अच्छा, अब मैं आपको इस तरफ ले जा रही हूँ, ठीक है? यहाँ है ये स्किन, पिंपल वाली स्किन, ठीक है? अब वो छाइयों वाली स्किन थी, छाइयों वाली स्किन अलग हो गई, पिंपल वाली, ये क्या करती है तुम्हारे साथ? एक ही बेस लगाती, कौन सी दिखाओ? ये मिस रोज की। कौन सी? मिस रोज। ये और इनकी अलग है, आपकी अलग है, ये दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे लगाती, दोनों एक ही जैसे। अच्छा, अब जरा मिस रोज देखते हैं कि ये इसकी कैसी है। ये मिस रोज, ये बहुत येलो नहीं है? अच्छा हाँ, तो ये सही है इसके लिए, ये कलर सही है? कलर अगर आप कंसील करके लगाएंगे तो फिर भी सही है, मगर देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, आप हमेशा अलग फाउंडेशन यूज़ करें, और सबसे पहले आपने अपनी बहन का जब भी फाउंडेशन लेने जाएं तो देखना है कि उनका कूल टोन है या वार्म टोन है। अब अगर उसकी वेन्स जो है, ये देखो, ये ब्लू की तरह, बताओ जरा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको क्लोज बनाए, क्लोज बनाया, अब बताओ। हाँ ठीक है, अब अगर इनकी वेन्स आप देख रहे हैं कि वो ब्लू की तरफ है, थोड़ा नीचे करो, वी कांट सी, या ग्रीन की तरफ है, तो अगर इनकी ब्लू की तरफ है, हमें ऐसा लग रहा है ब्लू और पर्पल है, तो इनका स्किन टोन कूल है, और इस तरफ अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये वार्म है, मतलब ग्रीन है। ऐसा क्या मतलब कि दोनों हाथों का न्यूट्रल है? तो इनकी स्किन न्यूट्रल है, इस पे ज्यादा येलो भी नहीं यूज होगा, ज्यादा पिंक टोन की फाउंडेशन भी नहीं यूज होगी, सेंटर वाली की कहाँ से मिलेगी बेचारी? बीच की मिल जाती है, वो न्यूट्रल टोन्स आते हैं। अच्छा, अभी जो ये ले रही है ये येलो में चली जाए, बहुत येलो भी है, इसकी वजह से ये डल जो कह रही है थोड़ी देर में ये ग्रे हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी ऑयली भी लग रही है, और लाइट तो वैसे ही पिंपल है मुंह पे, तो ये तो ऑयली स्किन है। आपने कुछ मैट यूज करना होगा, और ऐसा यूज करना होगा जिससे इनकी कंसीलिंग ज्यादा अच्छी हो, छुप जाए। हाँ अच्छा, अब इनको बताओ कंसील किससे करोगे? तुम्हें अब इनको बेस फराम, कौन सा कॉम्पैक्ट लगाती हो तुम, पाउडर कौन सा लगाती हो? ग्लैमर का दिखाओ, कहाँ है वो? असल में घर पे भूल गई, घर पे भूल गई, देखा अच्छा देखो सबसे पहले, क्योंकि जिसकी एक्ने की स्किन होगी तुमने प्रेप भी उसे वैसे ही करना होगा। फुल बुंदे पहन के बैठी हो तो मेकअप कराने में, टीवी पे आ रहे बुंदे तो नजर आ मेकअप से पहले बाल बांध देना उसके, ठीक है? उसके बाद जो है तुमने ऐसा कोई भी प्राइमर यूज करना है जो जेल बेस हो, ऑयली ना हो, ठीक है? ये देखो इसको अंदर से, ये बिल्कुल जेल पानी की तरह, ठीक है? एक्ने के लिए ऐसे ही यूज़ देखो, लाइक वहाँ पे जेल नहीं बताया, वहाँ पे प्राइमर कोई और बताया अम्मी के लिए, क्योंकि उनकी एज डिफरेंट थी। अब यहाँ पे दानों वाली स्किन है, सो अलग प्राइमर, यानी जेल वाला जिसमें ऑयल नहीं है। और अक्सर ये भी होता है कि कुछ मौसम में तुम्हें लगेगा कि इनकी एक्ने जो है फाउंडेशन के बाद थोड़ी फ्लेकी लग रही है, तो उस टाइम पे आपने एक क्रीम भी लगानी है पहले, जो वाटर बेस होगी और ऑयली नहीं होगी, यानी वो तेल ना हो बट वाटर बेस। मतलब ऐसी क्रीम मिलती है जिसमें जो लिखा होता है कि ये वाटर बेस है। सो तुमने कहा कि प्राइमर लगाने के बाद एक वाटर बेस, पहले मॉइस्चराइजर, और ज्यादातर अब आजकल हाइलुरोनिक एसिड के जो मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं, आम भी आते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर बेस होते हैं और वो आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उससे मॉइस्चर लेके आपकी स्किन में देते हैं, तो ये ऑयली नहीं होते। पहले मॉइस्चराइजर, फिर जेल प्राइमर, उसके बाद फुल कवरेज। अच्छा, आप दाने छुपाना बता दो, ताकि इससे पहले ब्रेक पे जाए मैं ये कवर कर सकूं। सबसे पहले मैंने, पहले एक नहीं, तुम खुद नहीं करोगी? अच्छा, पहले दूसरी खुद बताओगी? हाँ ठीक है, दूसरी और अभी ये पहले इसको लगाओ, दूसरी तरफ लगाओ। ये क्या है, कौन सी? ये वही प्राइमर है, पहले प्राइमर लगा। अच्छा प्राइमर तो लगाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। अच्छा, उसके बाद मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन कौन सी ले रही हूँ बताओ? मिस्बा फाउंडेशन, कौन सा नंबर? वही हम चेक करेंगे हमेशा, जब भी लगाना है फाउंडेशन तो आपने इधर चेक करना है कि उनकी स्किन टोन से सही है या नहीं। एक टोन आप अभी नहीं करो, एक टोन लाइट ले सकते हैं, मगर उससे ज्यादा लाइट ना हो, ठीक है? और हमेशा फाउंडेशन ऐसे लगानी है कि बहुत हेवी ना हो, नहीं तो एक्ने और नजर आती है। हम अंदर से लेके बाहर की तरफ तक शुरू, तो मुझे प्लीज कलर्स बताने पड़ेंगे कि आलमंड है या क्या है। ये वाला कलर फेयर है,
ठीक है, तुम्हारे पास क्या है नहीं अभी दूसरे कलर की? और डार्क भी हो सकता है, बट ये वाला ऑक्सीडाइज होगा थोड़ी देर में, तो ये सही। तो ये कौन दूसरा? ये वाला लाइट है, ये पोर्सलिन है। अच्छा, तो वो वाला थोड़ा तुम दाने छुपाने के लिए क्या दे रही हो? ये मैट फुल कवरेज फाउंडेशन में हमें कंसीलर की जरूरत नहीं, ये इसी से पूरा होगा और हम अंदर की तरफ से लेके बाहर की तरफ जाएंगे। अच्छा देखो, ये बेस लगाने का एक आर्ट होता है। हाँ, वो तुम प्लीज इसको बताओ, ब्रश से लगाओगी, फिंगर से लगाओगी? मैं यूजली फिंगर यूज करती हूँ, या फिर आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट मैं फिंगर से। एक दफा करके बताओ, फिर ये खुद करेगी। अब पहले आपने उसके अंडर आई पे ये देखो किस तरह टैप कर रही है, ठीक है? हाँ, इस तरफ फेस करना। आपको अगर हमेशा एक ग्लो की तरह दिखाना है, थोड़ा सा लाइट आपका फेस या फ्रेश लगे, तो आप हमेशा अंदर की तरफ ज्यादा कवरेज दें, उसके बाद नीचे लाइट हो जाए। ओके, दाने वाने सब छुपते जा रहे हैं। यस, हाँ, और जहाँ पे ब्लेमिशेस हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा और लेके लगा सकते हैं, मतलब लाइक थोड़ा डबल कंसील, जहाँ जरूरत है उधर आप डबल बेस लगा दो, ठीक है? डबल हाथ इस तरह, और उसके बाद नीचे की तरफ ले आना है। और जैसे जैसे आप फेस के बाहर की तरफ आते रहेंगे तो वो कवरेज लेस होती रहेगी, उससे खुद ही से एक अफेक्ट आ जाएगा लाइट एंड मीडियम का। ठीक है, चलो अब तुम दूसरी तरफ करके दिखाओ कि क्या तुमने मिस्का से ये चीज सीखी, कैसे उसने। हाँ, मिस्का तुम छोड़ोगे थोड़ा वो लगाए? हाँ, हाँ, वो ये बाद में कर लेना। हाँ, देखिए कि ये कम कम, फिर उस पर और बिल्ड कर सकते हैं हम, ठीक है? अच्छा देखिए, स्टिक को लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लिक्विड बेस को लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इस जो स्टिक है उसको आप इतना घसीट नहीं सकते, लेकिन जो लिक्विड बेस है उसको आपको इतना मतलब इतनी फ्रिक्शन लगती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ होता है। तो जी, लेकिन निदा, इन बोथ केसेस आपको जो अपने स्ट्रोक्स हैं वो बहुत फेदरी रखने हैं, ऐसे आपने करना है जैसे कोई पर के साथ आप कर रहे हैं, इसको ड्रैग नहीं करना है, थोड़ा प्रेशर जो है आपको अपने सारे हाथ पे देना होगा जी, और फिंगर्स पे इतना प्रेशर, हल्का सा जी। ठीक है, ठीक है, डूइंग अ गुड जॉब एक्चुअली। ओह ग्रेट, हां ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।